तो आज बनाने वाली हूँ मैं ये कद्दू। और रात को ना मैंने इसको आधा काट के रख दिया था, लेकिन फिर टाइम बहुत हो गया था, बच्चों को नींद आ रही थी, तो अभी बाकी का मैं अभी सुबह के टाइम काटूँगी। तो बाकी का कद्दू मैं यहाँ पे काटने लगी थी और साथ में ना मैं पानी भी पी रही थी, क्योंकि सुबह खाली पेट में पानी पीती हूँ ज़रूर से। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कद्दू कैसे काट रही है, छिलके तो निकाले नहीं, तो हरा कद्दू जो होता है ना उसके छिलके जो है वो मैं निकालती नहीं हूँ, मैं ऐसी सब्जी के साथ बना देती हूँ और यही बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। और क्योंकि इसके जो बीज है ना वो भी अभी नरम है, तो ये भी मैं साथ में पकाऊँगी सब्जी में। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक काट देती हूँ ना जो बीज के इसके बीज होते हैं, फिर ये ना सब्जी में मिक्स हो जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारे लिए जो कद्दू के बीज होते हैं। बहुत सारी बीमारियों को ये ख़त्म करते हैं। यहाँ पे लग गई हूँ मैं तड़का लगाने के लिए, बाहर चूल्हे पे मैंने लगा दी है लोहे की कढ़ाई। तो हरी सब्जियाँ जो है अगर लोहे की कढ़ाई में बनाई जाए ना तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। और यहाँ पर ट्राईपॉड लाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे लाऊँ, और मुझे दिख गई उतने में यहाँ पर खुशी, तो खुशी को मैंने यहाँ पे फ़ोन पकड़ा दिया और ये मुझसे पूछ रही थी यहाँ पे कि मम्मी आप ज्वालाजी गए, आपने वहाँ पे क्या क्या किया, क्या क्या खाया। तो मैं इसको बता रही थी, ऐसे ही चिढ़ा रही थी मतलब। तो ये ना घर में ही थी बेचारी, क्योंकि फिर इसकी ट्यूशन भी होती है और फिर सभी लोग चले जाते ना, तो अभी ये जाएगी दोबारा से, अभी और जाएंगे ना। और यहाँ पर मैंने प्याज और ये क्या बोलते ऑयल डाला था, उसके बाद मैंने प्याज डाल के इसको तड़का लगाया है। तो कद्दू का तड़का जो होता है ना वो थोड़ा अच्छे से लगना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दुपट्टा कुछ और ही कलर का लिया हुआ है और सूट जो है मैंने वो कुछ और ही कलर का पहना हुआ, तो ये इसलिए है क्योंकि सार्थक जो है ना वो अभी सोया हुआ है, तो दुपट्टा ना उसके नीचे आया हुआ था मेरा दुपट्टा, तो अगर मैं खींचती ना तो वो उड़ जाता, तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे के उठने से पहले अगर आधा पौना काम निपट जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना वो कोई भी काम करने नहीं देते टाइम से, तो इस वजह से। और बस यहाँ पे जो तड़का है ना मेरा वो भी यहाँ पे भुनने ही वाला है। और यहाँ पे खुशी जो है ना बार बार बोल रही है मम्मी मुझे लेट हो रही है स्कूल के लिए। अब आप मेरे को ना पूरा का पूरा चॉकलेट वाला खाती हम तो, और आप मेरे को पूरा का पूरा चॉकलेट वाला दे देते ना तो क्या जाता आपका। अगर ना आपको भी केक बनाएंगे ना, नहीं यार दादी पीला वाला। तो यहाँ पे ना खुशी अपनी दादी से चिप्स का पैकेट मांग रही है, तो दादी दूसरा दिखा रहे ना इसको, तो ये पीले कलर वाला जो होता है ना वो लेज वो खाती है। तो ये बच्चों के सबके रखे हुए थे ना चीज़ें, तो इसकी रहती थी। तो यहाँ पे मैंने पिछले दिन ना केक बनाया था, और वही मैं इसको बता रही हूँ कि कल मैंने एक केक बनाया था, लेकिन जितने तो स्कूल से आई ना उतने में सारा ख़त्म हो गया, तो बोल रही थी कि मुझे आपने नहीं रखा, मेरा हिस्सा कहाँ है। तो इसको ज़्यादा चॉकलेट वाला पसंद आता है ना, इसके बर्थडे पर भी मैंने वही बनाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा अच्छा, और इसलिए मैंने सिंपल बनाया था दूसरे दिन, क्योंकि ना उस दिन भी केक जो है वो सबको नहीं आया था, तो कुछ लोग हैं ना जो वो रह गए थे घर के, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे तो फिर सबको बांटा ना थोड़ा थोड़ा, तो मम्मी रह गए थे, मैं रह गई थी, और मम्मी को तो शायद उस दिन भी नहीं मिला, क्योंकि ना नैना और सार्थक तो दोनों ऐसे बैठ गए थे ना वहीं पर केक के पास कि वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पर कद्दू जो है देखिए मैंने अच्छे से इसमें तड़का तुड़का सब कुछ लगा के और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें ना मैं पानी नहीं डालूंगी क्योंकि हरा कद्दू है, तो ये ना बिना पानी के पक जाएगा यहाँ पे अच्छे से। और वैसे ना ये जो ग्रीन हाउस वाले होते हैं ना सब्जियाँ, ये अच्छे से पकती नहीं है जैसे हमारे अपने घर की होती है ना, वैसी नहीं होती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको, कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, मैं भी ठीक हूँ, और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल मीना कवर हिमाचली स्पेशल पे। तो और टाइम है जी 9:30 हो चुके हैं, और मेरा जो किचन का काम होता है वो सारा निपट चुका है, और नाश्ता नुश्ता कर लिया, अभी सिर्फ बर्तन धोने को रहते हैं मेरे। और हमारी गाय जो है वो धूप में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है, और आज हम लगे हुए हैं गेहूं की गवाही करने। तो गेहूं जो है
वो हमने ढोया हुआ है वैसे तो नीचे को, लेकिन यहाँ पे एक गटका है वो बचा हुआ है। तो मैं सुबह घर का कर रही थी यहाँ पे, और फिर अभी मम्मी ने बोला कि एक गटका यहाँ पे रहता है, इसको नीचे छोड़ के आओ। तो चलिए इसको भी छोड़ती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे ना गवाही जो है वो किस तरह से होती है। और पहले मुझे देखना पड़ेगा एक बोरी टाइप में ना, कुछ कट्टा जैसा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गेहूँ जो है ना वो सिर में लग जाता है, इसके सिल्ले जो है ना इसमें आगे जैसे होते हैं ना नुकीले से, वो सिर में चुभते हैं। तो कुछ ऐसा ढूंढती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ना एक ये जो आता है ना जिसमें हम फीड चोकर वगैरह लेके आते हैं ना, उसका कट्टा है ये। हाँ, चोकर का कट्टा है ये। तो इसको लगाऊंगी ना मैं सिर के ऊपर, ताकि ये ना जो गेहूं के जो कीश है ना इसके पहने पहने से ये चुभे ना। और जो यहाँ पे गाय या बछियाँ देखिए कैसे तड़प रही है, इनको ना मक्खियाँ खा रही हैं बहुत ज़्यादा, और प्यास भी लग रही है। तो बस इनको पानी भी पिलाना है अभी, पहले ये रख के आ जाती हूँ। तो क्योंकि अभी हमारे गाने लगे हुए हैं ना, गाने से मेरा मतलब थ्रेशर में वो लगा रहे हैं ना, तो साथ साथ ये भी निकल जाएंगे, नहीं तो फिर ये रह जाएंगे। वैसे तो अभी काटने को भी रहती है हमारे, लेकिन जो कटी हुई है ना वो निकल जाए एक साथ तो ठीक रहता है अपने। तो ये देखिए गटका मैंने उठा लिया, और अभी जा रही हूँ मैं नीचे की ओर, मतलब हमारे जो चक्की है वहाँ को चलती हूँ। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ सार्थू। तो ये देखिए ये पहुंच गई मैं वहाँ पे जहाँ पे गेहूँ गवाही हो रही है, और मम्मी है यहाँ पे साथ में, जो एक पकड़ाने वाला चाहिए होता है ना। तो और ये जो अंकल हैं ये गाने लगे हुए हैं यहाँ पे। तो बस मैंने जो गटका लाया ना वो भी सूखा है काफ़ी, और ये देखिए इस तरह से सिस्टम किया हुआ होता है हमारे यहाँ पे, ताकि तूड़ी जो है ना वो बर्बाद ना हो, मतलब बहुत आगे तक उड़ के चली जाती है नहीं तो तूड़ी। तो इसलिए आगे ये लगाया हुआ है, ये देखिए थोड़ी थोड़ी आगे जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं उड़ती है, ऊपर से पूरा कवर कर देते हैं ना इस तरह से, तो इस तरह से अच्छे से हो जाता है। और इतनी दूर को ये देखिए इसकी पाइप सी लगाई हुई है, ताकि ये बहुत नज़दीक में ना गिरे, मतलब जो गवाने लगे ना उनको वो ना हो, इरिटेशन ना हो इससे। और ये देखिए कुछ यहाँ पे हमने भर दी हुई है कट्टे में गेहूँ, और कुछ यहाँ पे ये देखिए चल रही है जो अभी। तो यहाँ पे नीचे भी रखा हुआ है यहाँ पे कट्टा एक, क्योंकि कुछ दाने ऐसे होते हैं ना जो नीचे भी गिर जाते हैं। तो ये देखिए 6 महीने की मेहनत का फल जो है अभी देखिए मिल रहा है, और इस बारी तो ना बारिश नहीं हुई, नहीं तो काफ़ी अच्छी होती गेहूँ। क्या करना, भगवान से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता है भाई, है ना। और बारिश होती अगर तो अच्छा हो जाता, और भी पहले के पुराने टाइम में कितना ज़्यादा मेहनत करते थे ना लोग, बैल लगाने, फिर गेहूं की गवाही होती थी बैलों के द्वारा। अभी तो सारा कुछ जो देखिए मशीनों के द्वारा हो रहा है, और काफ़ी सहूलियत हो जाती है इससे। तो यहाँ पे हमारे हमेशा से, मतलब काफ़ी सालों से है यहाँ पे ये जो गवाने का सिस्टम है ना ये रखा हुआ थ्रेशर। तो बस यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से चलती, और ये देखिए यहाँ पे जो ब्रीक ब्रीक दाने होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे दाने और घास के बीज वगैरह होते हैं, वो यहाँ को निकल जाते हैं देखिए नीचे, क्योंकि इसमें छलनी लगी भी होती है। तो गेहूं के साफ दाने आगे चले जाते हैं, और जो कबाड़ वगैरह होता है ना वो यहाँ गिर जाता है, जैसे लुआने वगैरह होती है ना वो सारी चीज़ें यहाँ किनारे में गिरती हैं, यहाँ पर साफ गेहूँ आता है आगे। तो कोई आ जाता है बीच में दाना इसमें मोटा ना घास घूस का भी। और ये देखिए तूड़ी का ढेर कैसा लग रहा है ना, ये देखिए कितनी फ्लो में आ रही है उधर से उड़ के। इसकी खारिश बहुत ज़्यादा लगती है जिस दिन गेहूं की गवाही होती है ना, अभी मैंने तो एक बारी भी नहीं कराई है, मुझे तो ऐसे ही देख के भी खारिश लग जाती है। मम्मी लगे हुए थे यहाँ पे करवाने के साथ में। तो अभी आ गई हूँ मैं वापस, क्योंकि अभी गाय जो है वो ना बाहर है बांधी हुई, उनको पानी नहीं पिलाया, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, तो अभी उनको पानी पिला के करूँगी अंदर। तो चक्की से आ रही थी ना वापस, मैंने सोचा कि खाली हाथ घर क्यों जाना, और वहीं से ही रास्ते में हमारा खेत पड़ता है, तो वहाँ पे हमने समदा वगैरह होती है ना जो वो रखी हुई है काट के, तो उसका गटका लगा लिया। और हमारे पुराने टाइम में पता क्या वो लगते दादी की, कभी भी खाली नहीं आते घर को, खेत से वगैरह से आते ना जब भी कि कुछ ना हो तो एक पत्थर भी हाथ में उठा के लाए ना, तो उस वो भी कभी घर बनाने में काम आता है, तो इसलिए खाली नहीं आते भाई हम घर को, और कुछ ना कुछ ले ही आते हैं साथ में, थोड़ी बहुत जो भी होती है ना चीज़ वो ले आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए ये ले चलती हूँ साथ में, और ऐसे ही खाली अच्छा भी नहीं लगता जाना, और थोड़ी थोड़ी करके ना चीज़ें जुड़ भी जाती हैं, जैसे हम थोड़ा थोड़ा डेली लाएंगे। और गाय जो है बेचारी वो बहुत बुरे तरीके से परेशान हुई हुई है यहाँ पे धूप में, और ये देखिए यहाँ पे सारे गेहूँ गेहूँ का कबाड़ है नीचे, क्योंकि अभी यहाँ से उठाई हुई है हमने गेहूँ उठा के, पहले इनको पानी पिला देती हूँ। हेलो जी, पानी फिर से ख़त्म, फिर पानी करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ना गाय वगैरह को पानी वगैरह पिला के सारा काम करके मैं फ्री हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए तरबूज जो है वो खाते हैं, लेकिन सार्थक जो है ना वो खा नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए आज इसका जूस बनाती हूँ, शायद जूस पी जाए। तो आजकल ना तरबूज बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में खाना चाहिए क्योंकि इसमें ना पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती अगर हम तरबूज खाते हैं तो। और यहाँ पे मैं सोची हूँ कि बिना जूसर के आज इसका जूस बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने विस्क जो होता है ना वो लिया हुआ है, और विस्क से मैं इसको बीच से इस तरह से देखिए कर रही हूँ मैश, जो इसका ये सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना रेड कलर का, इसको भी इस तरह से कर लूँगी। और भाई इससे बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छा जूस बन के तैयार हो जाता है बहुत ही जल्दी। और ये ना मेरा जो विस्क है इसका ये हैंडल जो है वो भी टूट गया हुआ है, ये बार बार निकलता रहता है, आजकल बहुत कच्ची चीज़ें चल पड़ी है भाई। और अभी इसको लाए हुए ना मैंने 2-3 बार इस्तेमाल किया था, उतने में ये इसका हैंडल जो है वो निकल गया। तो मैंने ना केक उसके लिए लाया था, ये केक मिक्स करने के लिए। और वैसे मेरे पास इलेक्ट्रिकल भी है, लेकिन कई बार होता है ना हाथ से चाहिए होता है तो वो हो जाता है। और यहाँ पे मैंने इसको फिर साइड में ही रख दिया था क्योंकि ये टूट गया, तो इसका मतलब ऐसा तो चल रहा था इसका काम। और यहाँ पे देखिए मैंने जूस जो है वो काफ़ी सारा भर के रख दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा जूस जो है इससे बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए मैं आपको गिलास में दिखा रही हूँ, तो आप चाहें तो काला नमक डाल के कैसे भी इसको पी सकते हैं। और मैंने तो इसको ऐसे ही पिया था, बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे ही इस तरह से। और इसको बस छान लेंगे ना तो बीज अलग हो जाएंगे और ये जूस जो हमारा होममेड रियल जूस जो है बनके तैयार हो जाता है। तो अभी मैं गेहूँ छोड़ के आ चुकी हूँ वापस, और पशुओं को पानी पिला के बांध लिया अंदर। और अभी सार्थक जो है वो खाना मांग रहा है, तो इसको मैं सब्जी दे रही थी। आज मैंने कद्दू फुलका बनाया है, लेकिन ये ना कद्दू खा ही नहीं रहा है, ये बोल रहा है हलवा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी, तो चलिए हलवा बना लेती हूँ। सबसे पहले गैस को ऑन कर दूंगी, अभी बना रही हूँ हलवा, अभी बना रही हूँ हलवा, अभी बना रही हूँ। हाँ तो ये देखिए यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा बेसन, ये लगभग 3-4 चम्मच बेसन है। और यहाँ पे मेरा जो ऑयल है वो भी ना गर्म हो गया है, तो इसको मैं डाल दूंगी इसमें। और इसको भूनने के लिए मैं यूज करूंगी विस्क का, ये देखिए। तो वैसे तो ये कभी खाता नहीं है, और आज इसको पता नहीं क्या ध्यान आया, मतलब खाना ही बहुत कम खाता है तभी तो इसकी सेहत भी ऐसी सी है, लेकिन पता नहीं आज इसको क्या ध्यान आया। तो सुना होगा ना इसने नाम शायद, तो वो जुबान पे बैठा हुआ है, तो ये इसने मुझसे कह दिया कि आज ऐसा बनाओ, नहीं तो अदरवाइज़ इसको कोई मतलब नहीं है खाने पीने से। तो बस यहाँ पे जो बेसन है वो थोड़ा सा भुन चुका है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैंने बनाया। और सच बताऊँ तो ये कुछ जल गया है, कुछ कच्चा है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ ये अच्छे से। और बस बाद में मैंने इसमें पानी डाल दिया, और साथ में डालूँगी चीनी स्वाद के अनुसार। तो बस सिंपल सा ऐसे ही बना दिया था मैंने इसको। और मुझे उम्मीद है कि व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कर सके तो शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है मीठे के लिए, तो बस ये जल्दी बनके तैयार हो जाता है, इतना बहुत टाइम नहीं लगता। छोटे से पैन में बनाया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि कोई पता नहीं ना महाराज जी का, मांग तो दिया है, खाएं ना खाएं वो अलग बात है, और लेकिन होती है ना बच्चों को कभी कोई चीज़ याद आ जाती है तो बस उस टाइम वो चाहिए होती है, तो बस ऐसा ही कुछ होता है कभी मूड कर गया तो, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हाँ। और बस यहाँ पे हलवा जो है वो तैयार हो गया था, और बस उसके बाद हमने खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घी डाला है 1 चम्मच, इसमें पहले मैंने रिफाइंड डाला था, बाद में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था यहाँ पे, ताकि ना ये अच्छे से पैन को छोड़ दे, मतलब जब पक जाए ना तो इससे फिर छोड़ देता है पैन को ये अच्छे से। और चाहे आप तो घी में भी बना सकते हैं भाई, बेसन का हलवा घी में बहुत टेस्टी लगता है, देसी घी में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी बनता है। और इसको पता क्या, पत्तल में खाना खाया था ना जैसे मुंडन वाले दिन, तो ये सोच रहा है कि पत्तल में ही खाना मैंने दोबारा से, इसको शायद वो वाला अच्छा लगा होगा, तो यहाँ पे पत्तल में मैंने इसको निकाल दिया है। तो आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे ही, जय माता दी, जय सियाराम, शुभ रात्रि।